नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सैंडविच की चटनी सिखा रही हूँ। चटनी का कलर हरा रहे उसके टिप्स के साथ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए सैंडविच की चटनी बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच की चटनी बनाने के लिए थोड़े स्पेशल इन्ग्रीडियंट्स लेने पड़ते हैं। मैंने 1.5 टेबल स्पून भेल का सेव लिया है, 1 टेबल स्पून दालिया जिसे हम चटनी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, 1 टीस्पून सौंफ, इसे डालने से चटनी का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून अदरक के टुकड़े, 7 से 8 तीखी वाली हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। फ्रेंड्स, मैंने जो नमक डाला था वो क्लिप डिलीट हो चुके हैं, इसीलिए मैं आपको ऐसे कटोरी में दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आपसे। अब हम सारी सामग्री को चर्न कर लेंगे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रहेगा तो भी चलेगा। चम्मच की सहायता से सारा मिश्रण एक कर लेंगे। अब मैं आपको लंबे समय तक चटनी का कलर ग्रीन रहे वो सिखाने जा रही हूँ। 1 टेबल स्पून नींबू का रस, हमेशा नींबू का रस पहले डालिए चटनी में, क्योंकि नींबू का रस धनिए को ऑक्सीडाइज होने से बचाएगी और लंबे समय तक चटनी ग्रीन रहेगी। 1.5 कप धनिया, आप हमेशा धनिए को थोड़े से डंडी के साथ में लीजिए, धनिए की डंडी में भी बहुत फ्लेवर होता है जिससे कि चटनी स्वादिष्ट लगेगी। 2 टुकड़े बर्फ़, मिक्सर चलाते समय जो गर्मी उत्पन्न होती है वो चटनी को काला कर देती है, बर्फ़ उस गर्मी से चटनी को काला होने से बचाएगा। 1 टेबल स्पून पानी, अगर ज़रूरत लगे तो हम आगे और भी डालेंगे। अब हम सारी सामग्री को चर्न कर लेंगे। मैं इसमें और 1 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ और अब हम इसे चर्न कर लेंगे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। वाओ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ब्राइट ग्रीन है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, हमें इसी प्रकार की कंसिस्टेंसी रखनी है। फ्रेंड्स, आप ये चटनी को बिल्कुल यही कलर की 6 महीने तक रख सकते हैं। कभी भी एक साथ बड़े डब्बे में चटनी कभी भी स्टोर मत कीजिए, छोटी छोटी डब्बियों में आप इसे स्टोर कीजिए। जैसे ही आपने चटनी बनाई तुरंत ही उसे डब्बियों में पैक कीजिए और सारी डब्बियों को आप फ्रीज़र में फ्रीज कर लीजिए। ये चटनी 6 महीने तक बिल्कुल ऐसी ही रहती है। जब भी आपको चटनी का उपयोग करना है तभी आप वो एक छोटी सी डब्बी बाहर निकालें और उसका उपयोग करें, जिससे कि आपकी चटनियों का कलर बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा और ना ही स्वाद में कोई फ़र्क आएगा। हमारी सैंडविच की चटनी बनके तैयार है, आप इसे बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।